Students, today's video is on tenses. Now there are three types: present tense, past tense and future tense. First of all, we see examples. He plays basketball. He played basketball yesterday. He will play basketball tomorrow. In first sentence, verb plays, PLAYS, जिसमें एस या ईएसओ, इट शोज इट इज इन प्रेजेंट टाइम. प्लेड, इट इज इन सेकेंड फॉर्म. इट इज पास्ट टेंस, बट दिस टाइम इट शोज फ्यूचर टाइम. विल प्ले, ही विल प्ले बास्केटबॉल टुमारो. थर्ड सेंटेंस में वर्ब विल प्ले, ये फ्यूचर टाइम और फ्यूचर टेंस बताता है. अब अकॉर्डिंग वर्ब हम टेंसेस को फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. इंग्लिश में ये वर्ब्स हैं, इनके फोर फॉर्म्स हैं: प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट. ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म होता है. ये आपकी बुक में जैसे प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म, जैसे अब्यूज़ है, अब्यूज़ को अब्यूज्ड पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल अब्यूज्ड, और आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म अब्यूजिंग, यानी कि एक को फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसका रूल क्या है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की बेस फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं, और निगेटिव सेंटेंस के प्लूरल में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच डू नॉट, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच डज नॉट का यूज़ होता है, और वर्ब की बेस फॉर्म में एस या ईएस नहीं जोड़ते. यानी कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो उसमें आप एस या ईएस जोड़ते हैं, लेकिन अगर उसको निगेटिव बनाना है तो डू नॉट, डज नॉट यूज़ करते हैं, और जिसमें कि वर्ब में एस या ईएस नहीं आता. और जब इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज़ होता है, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं. जैसे अफर्मेटिव है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो मैंने बताया था इसमें बेस फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं. निगेटिव हो तो डू नॉट और डज नॉट जैसा सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव है तो डू या डज को पहले लिख के फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर करते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है. जैसे दे प्ले फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल. अब यहाँ पे दे है, आई है, वी है, यू है, तो जो वर्ब है उसमें एस या ईएस नहीं लगेगी, और अगर ही, शी, इट है तो वर्ब में एस या ईएस लगेगी. वहीं अगर निगेटिव बनाना है तो जो प्लूरल है जैसे आई, वी, यू, दे, उसके साथ डू नॉट, और अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो डज नॉट. वहीं पे इंट्रोगेटिव है तो डू, आई, वी, यू, दे के साथ, और ही, शी हो तो वहाँ पे डज का यूज़ करेंगे. और वर्ब में यानी कि प्ले में दोनों स्ट्रक्चर में एस का यूज़ नहीं होगा, वैसे ही निगेटिव में एस का यूज़ नहीं होगा. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे ये पता करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? क्योंकि एक्सरसाइज जब आप देखेंगे तो आपको वैसे ही फिलअप करना पड़ेगा उसके सेंस को समझ के। तो टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, ओके, जैसे मिस्टर सुधाकर गोज फॉर अ वॉक डेली, वो हर रोज़ वॉक जाते हैं। रमन गेट्स अप एट 5 o'clock डेली, वो हमेशा 5 बजे उठता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो उसको उसका एक हैबिट है कि वो हमेशा ये काम करता है। तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आपको लगाना है। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ, जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ऐसे मैन इज मोर्टल, हिस्टोरिकल इवेंट्स, महाराणा प्रताप कलेक्ट्स द आर्मी, अकबर अटैक्स महाराणा प्रताप एंड डिफीट्स हिम। टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, अगर कोई कोटेशंस है किसी राइटर का या किसी हिस्टोरिकल पर्सन का, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी विल यूज़। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, आप कभी भी किसी पोएम की, किसी स्टैंजा में, किसी स्टोरी की लाइनें अगर कोई कोट की होती है किसी राइटर के थ्रू या फिर किसी भी हिस्टोरिकल पर्सन के थ्रू, तो आप उसको देखेंगे वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें यूज़ होता है। इन कंडीशनल सेंटेंसेस इंस्टेड ऑफ फ्यूचर टेंस, इफ ही कम्स टू मी आई शैल टीच हिम, इफ दे रन फास्ट दे विल विन द रेस। नेक्स्ट है इन कमेंट्रीज ऑन स्पोर्टिंग इवेंट्स, जब कमेंट्रीज वगैरह होती हैं क्रिकेट वगैरह में, तो इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक्स फॉर 4 runs। कुछ एडवर्ब्स वाले जो सेंटेंस हैं, जो वर्ड्स हैं, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, डेली, एवरीडे का जो यूज़ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हैबिट को शो करने के लिए किया जाता है। शी गोज़ टू स्कूल डेली, तो ये जो वर्ड्स हैं, डेली हुआ, ऑफन हुआ, ऑलवेज हुआ, ही ऑलवेज कम्स लेट, आई नेवर अब्यूज एनीबडी, तो चूंकि ये हैबिट को शो करते हैं इसलिए यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का फॉर्मेट देखते हैं। टू इंडिकेट फ्यूचर इवेंट विच इज़ पार्ट ऑफ अ प्लान और अरेंजमेंट, मतलब फ्यूचर की इंसिडेंट के लिए जो योजना के आधार पे हो, जैसे वी गो टू मथुरा नेक्स्ट वीक, हम फ्यूचर का कुछ प्लान बनाते हैं और प्रेजेंट में रहते हुए, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। दे लीव फॉर मुंबई फॉर बाय द राजधानी एक्सप्रेस, व्हेन डज द कॉलेज रीओपन, ओके। अब ये क्वेश्चन आते कैसे हैं, जैसे एक्सरसाइज में है, डज शी डैश फॉर अ वॉक डेली, लता जी डैश मेलोडियस सॉन्ग्स, और इसके सामने है गो गोस सिंग्स सिंग। अब इसमें जो सही है वो सब्जेक्ट को देखते हुए और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और उसके सेंस को समझते हुए हमें टेंस किस में ये आएगा ये लगाना है। बर्ड्स, अब यहाँ पे फ्लाइज भी है और फ्लाई भी है, चूँकि ये जो सिंगुलर, ये जो वर्ड्स हैं बर्ड्स, ये सिंगुलर में नहीं प्लूरल में है, इसलिए यहाँ फ्लाइज तो होगा नहीं, तो यहाँ पे फ्लाई। शी डज नॉट, अब प्लेज है या प्ले है, चूँकि डज डू जब लगता है तो बेस फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगता, तो यहाँ पे प्ले हो जाएगा। द सन, अब यहाँ पे राइज या राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके, थैंक यू।